पोषण के प्रति आमजन को जागरूक करने के उद्देश्य से जिला बिलासपुर में चलाए जा रहे 30 सितंबर तक पोषण अभियान के तहत स्वास्थ्य खंड मारकंड के तहत जुखाड़ा पंचायत के रीडी में पोषण अभियान के अंतर्गत शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में आंगनबाड़ी वर्कर, आशा वर्कर और स्कूल के अधिकारियों ने भाग लिया। पोषण के प्रति आमजन को जागरूक करने के उद्देश्य से जिला में चलाए जा रहे 30 सितंबर तक पोषण अभियान के तहत स्वास्थ्य खंड मारकंड के तहत जुखाला पंचायत के रेडी में पोषण अभियान के अंतर्गत शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में आंगनवाड़ी वर्कर्स, आशा वर्कर्स व स्कूल के अधिकारियों ने भाग लिया। स्वास्थ्य पर्यवेक्षक की अगुवाई में कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इस शिविर में स्वास्थ्य पर्यवेक्षक ने स्कूल के बच्चों को व्यक्तिगत स्वच्छता, संतुलित आहार और स्कूल में दी जाने वाली आयरन की गोली लेने की सलाह दी, ताकि कोई भी बच्चा कुपोषित न हो और न ही किसी बच्चे को खून की कमी हो। उन्होंने बताया कि पोषण अभियान का मुख्य उद्देश्य गर्भवती महिलाओं, शिशुओं, धात्री महिलाओं, बच्चों, किशोरियों और कुपोषण से और अनीमिया से बचाना है। स्वास्थ्य पर्यवेक्षक अपनी टीम के साथ गांव-गांव जाकर तथा घर घर जाकर महिलाओं को पोषण आहार के बारे में जागरूक कर रही हैं तथा पोषण आहार के बारे में विस्तृत जानकारी दी जा रही है कि किस तरह का पोषण आहार बच्चों को देना है ताकि बच्चों में होने वाली बीमारियों से बचा जा सके। पोषाहार दिवस मनाया गया आज भी और इसी तरह गांव में भी जाकर मनाते हैं जी। और जैसे 6 महीने से बच्चे को माँ का ही दूध देना, ये भी बताते हैं जी। और उसके बाद पोषाहार दिवस के बारे में उन्हें सब कुछ बताते हैं जी, जैसे खाना कैसे लेना है। और मेरे पास 8-10 बच्चे आते हैं जी, जो बना है वो, जैसे खिचड़ी हमारे लिए कितनी महत्व है और इसके बारे में और पोषाहार के दिवस में बताया। और मैं यहाँ जेबीटी काम करती हूँ। सबसे पहले तो आजकल बच्चों में माँ के पेट से ही पोषक तत्वों की कमी हो जाती है, क्योंकि माँ जब ढंग से खाएगी नहीं तो आगे बच्चे को भी कमी होएगी। तो इसलिए हमारी सरकार ने कई कार्यक्रम चलाए हैं। सबसे पहले तो इसलिए जागरूक करती है माँ को भी, वो बच्चे को 6 महीने तक अपना दूध पिलाए, उसके बाद उसके पोषाहार में ऐसा पोषक तत्व जो बच्चे को पूरी तरह से पोषित करे, ठीक है। उसमें मोटा अनाज, हरी सब्जियाँ, फल, फ्रूट, जूस, ये सब चीज़ें आनी चाहिए। तो इसी के लिए हमारी जो सरकार है इस तरह के पोषाहार दिवस या इसी से रिलेटेड कोई चीज़ें मनाती रहती है अक्सर।